एक बार की बात है, शताब्दी एक्सप्रेस की तेज रफ्तार में एक टिकट चेकर उसमें बैठे पैसेंजर्स की टिकट्स चेक कर रहा था। टिकट दिखाओ अपनी। ये लो, हम चार लोग हैं, चारों की टिकट है ये। अच्छा, और तुम दोनों की टिकट कहाँ है? उन दोनों पैसेंजर्स पर टिकट नहीं थी, तो वो दोनों घबरा गए और जल्दी ट्रेन में एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में भागने लगे। अरे भागो, अरे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। टिकट चेकर भी उनके पीछे पीछे भागने लगा। रुक जाओ तुम दोनों, वरना अच्छा नहीं होगा, भागने का कोई फायदा नहीं है, रुक जाओ। भागते भागते टिकट चेकर एक पैसेंजर की शर्ट पकड़ लेता है, पर पैसेंजर झटका देके खुद को टिकट चेकर की जकड़ से छुड़ाता है और आगे भाग जाता है, और बैलेंस बिगड़ने की वजह से टिकट चेकर चलती ट्रेन से गिर जाता है। अरे ये क्या हो गया, टिकट चेकर गिर गया। अरे कोई ट्रेन रुकवाओ। शोर शराबे के चक्कर में कोई कुछ नहीं कह पाता, ट्रेन बहुत आगे निकल जाती है। इधर टिकट चेकर की लाश कुछ दिनों तक पड़ी रहती है, और फिर एक दिन तेज तेज हवाएं चलने लगती हैं। बिजली चमकती है, तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। टिकट चेकर की लाश अचानक हंसती हुई उठने लगती है। आखिर मैं वापस जिंदा हो ही गया, अब मैं उन दोनों को पकड़ूंगा, मुझसे भाग रहे थे ना। उठ के भूतिया टिकट चेकर कुछ लोगों से पूछने लगता है। अरे भैया, वो शताब्दी एक्सप्रेस कब तक आएगी, और वो दो पैसेंजर्स पकड़े गए क्या? अरे भैया, आप मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहे? और फिर वो कईयों से पूछता है, पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता। तभी वो दो लोगों को बात करते हुए सुनता है। अरे भाई, अब क्या बताऊं, टिकट चेकर तो भला रहा था, पर अपनी जान से हाथ धो बैठा। अब बताओ, वो जिन्होंने गलती की वो अभी भी आजाद है, और वो जो ड्यूटी कर रहा था वो मर गया। हाँ भाई, समय समय की बात है, होनी को कौन टाल सकता है। टिकट चेकर भूत ये सब सुन के झटके में आ जाता है। क्या, मैं मर चुका हूँ, पर क्यों, मेरी क्या गलती थी? टिकट चेकर भूत रोने लगता है, पर कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाता। वो लोगों को पकड़ने की कोशिश करता है अपनी बात बताने के लिए, पर भूत होने की वजह से कोई उसे न देख सका और न ही सुन सका। तो अब मैं अपना बदला लेके ही रहूंगा, मैं अपनी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, मैं शताब्दी एक्सप्रेस का टिकट चेकर था और रहूंगा। फिर वो भूत वहीं इंतजार करने लगता है। रात के 8 बजे शताब्दी एक्सप्रेस स्टेशन पे आता है। आखिर आ ही गई, अब मैं इसमें चढ़ूंगा और अपनी ड्यूटी करूंगा। फिर वो भूत उस ट्रेन में चढ़ जाता है और ट्रेन स्टेशन से छूट जाती है। ये सीट पूरी खाली है, यहाँ मैं बैठूंगा। और वो उस सीट पर बैठ जाता है, पर ये क्या, वहाँ कोई पैसेंजर भी बैठने आता है। अरे ये कैसा एहसास था, ऐसा लगा जैसे कोई था इस सीट पे।
पैसेंजर डर जाता है। नहीं नहीं, मेरा वहम होगा, सीट तो बिल्कुल खाली पड़ी है। तभी वो जैसे ही दोबारा बैठने की कोशिश करता है, उसे लगता है जैसे किसी ने उसे पकड़ा हो। नहीं नहीं, यह कोई भूत है, भूत भूत भूत! सभी पैसेंजर्स चिल्लाने लगते हैं। उसी बीच में कुछ पैसेंजर जिनके पास टिकट नहीं होती, वे भागने लगते हैं। अरे बच्चू, भाग के कहाँ जाओगे? जहाँ जाओगे हमें ही पाओगे। पैसेंजर्स भाग भाग के ट्रेन के वॉशरूम में घुस जाते हैं और अंदर से गेट बंद कर लेते हैं। अरे भाई, कोई मेरी मदद करो, अरे मर गया रे। अच्छा, तो अब ऐसे बचोगे? रुको जरा, मजा चखाता हूँ। टिकट चेकर भी वॉशरूम में घुस जाता है और ऊपर छत पे चिपक जाता है। तुम मुझसे बच के जाओगे? कभी नहीं। हे भगवान, ये दरवाजा अपने आप कैसे खुल गया? तभी दरवाजा कभी बार बार बंद कभी खुल जाने लगा और लाइट भी बंद चालू होने लगी। अरे भागो रे, ये लाइट कभी बंद कभी चालू हो रही है। तभी भूत उसे जोर से थप्पड़ लगाता है। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे जोर का चाटा लगाया हो। भूत भूत भूत, भागो, बचाओ कोई। अरे भाई, कोई मेरी मदद करो, अरे मर गया रे। वो वहाँ से निकल के दूसरे कंपार्टमेंट में घुस जाते हैं, पर वे कहीं भी जाते भूत उनके पीछे होता। अगर मुझे इन्हें सबके सामने पकड़वाना है कि ये बिना टिकट्स के हैं, तो मुझे किसी की मदद लेनी होगी। फिर भूत एक पैसेंजर के अंदर घुस जाता है। पैसेंजर टेढ़ी मेढ़ी शक्ल बना के बोलने लगता है। आओ आओ मेरे सामने आओ, एक एक की अकल ठिकाने लगाता हूँ। फिर वो उन बिना टिकट के पैसेंजर्स को उठा उठा के पटकने लगता है। अरे मर गया रे। रूल तोड़ने वालों, तुम सबको सबक सिखाऊंगा मैं। अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए ही मेरी जान गई, और अब मैं ये किसी और के साथ नहीं होने दूंगा। माफ कर दो मुझे, आज के बाद मैं कभी बिना टिकट के सफर नहीं करूंगा ट्रेन में, मुझे जाने दो। तुम्हें पता भी है तुम्हारी ऐसी उल जुलूल हरकतों की वजह से कितने ही टिकट चेकर्स अपनी ड्यूटी में सफल महसूस नहीं करते हैं। तुम जैसों के चक्कर में मैं अपनी जान से हाथ धो बैठा। मेरी बीवी बच्चों को तो पता भी नहीं है कि मैं ड्यूटी पे हूँ या मर गया। मेरी लाश हफ्तों तक वहीं पड़ी पड़ी सड़ती रही। पैसेंजर ये सब सुन के बहुत दुखी हुआ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे बस एक मौका दे दो, मैं सब ठीक करूँगा। फिर पैसेंजर उस टिकट चेकर के मरने की खबर रेलवे रिपोर्ट में देता है और उसका कारण भी बताता है। रेलवे रिपोर्ट डिपार्टमेंट टिकट चेकर की बीवी को अवार्ड देके सम्मानित करते हैं। हम टिकट चेकर को सम्मान देते हुए 2 मिनट का मौन व्रत रखते हैं, और ये रेलवे हमेशा उनकी ईमानदारी के लिए उनका नाम लेगा। टिकट चेकर अपने सम्मान को देखकर खुश हो जाता है और खुद से वादा करता है कि वो हमेशा रेलवे की सेवा में हाजिर रहेगा। आज भी जब कोई पैसेंजर बिना टिकट के रेल में सवारी करता है,
तो टिकट चेकर की नजर उस पर ही होती है।